हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि बताने वाला था, बहुत सारे नए सरप्राइज़ आने वाला है। तो हम लोग अपना इवेंट कंपनी शुरू करने वाले थे मार्च से। तो उससे पहले हमें 14 फरवरी को एक इवेंट मिला, 3 दिन पहले ही मिला। हम लोग उसको लाइनअप किए हैं जितना हो सके, इसी के लिए पूरा बिजी शेड्यूल चल रहा है, ब्लॉग नहीं आ रहा है। आपको अनाउंस कर दूँ कि हमारा इवेंट कंपनी खुलने वाला है जल्दी, नाम भी जल्दी अनाउंस करूँगा। तो ये इवेंट को हम लोग ऑर्गेनाइज़ किए हैं, पूरा सब कुछ किए हैं गाइस, सारा डिटेल्स वगैरह बनाए हैं, सारा टिकट्स वगैरह बेचे हैं। और अभी मैं वेन्यू पे जा रहा हूँ, अभी होटल रूम पे था, सब कुछ सेट कर रहा था, अभी सब टेबल्स वगैरह बुकिंग कर रहा था सब कुछ। तो कम ऑन, लेट्स गो गाइस। आई होप ये इवेंट कंपनी अच्छा चले, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, आइए मेरे सारे शोज़ पे। अब डेली लाइनअप पे लाइनअप करूँगा, बहुत सारे शोज़ है। लेट्स गो गाइस, पहले आपको वेन्यू दिखाता हूँ, सब कुछ सेट करने जाना है। अब शाम का 4 बज रहा है, सब कुछ सेट करना है, डीजे सन आ रही है थोड़ी देर में। सो ये है गाइस वेन्यू, बैक साइड ऑफ सिटी सेंटर मॉल। इसके पीछे हम लोग एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं और ये सब कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा है रजिंता की तरफ से, अलॉन्ग विथ द आरकेएस इवेंट। तो ये हमारा पहला इवेंट है, इतना हम लोग डेकोरेट कर चुके हैं अभी तक, इधर काम चल रहा है अभी, बाकी बहुत सारे काम बाकी है इस पर। सो ये हमारा स्टेज व्यू है और आज आ रहे हैं प्रकाश छेत्री अलॉन्ग विथ डीजे शना और डीजे आरकेएस, द डुओ डीजे फंक्शन ओडिशा। को इस तरफ कर दो। सो गाइज, हमारा 50% काम हो चुका है अभी, आप देख सकते हो सारे पर्दे वगैरह लग गए हैं, स्टेज तैयार हो चुका है, बस उधर कैफे वगैरह अभी लग रहा है। तो गाइज, फिर बाहर सब कुछ टेबल वगैरह अरेंज कर रहा था मैं, बाहर का भी देख रहा था एंट्री कैसे करना है। क्या सुजल, कैसा हाल है? थकान बहुत है। सो गाइज, उसके बाद मैंने बोला एक साउंड चेक कर लेते हैं एंड उसके बाद मैं 10 मिनट के बाद फ्रेश होकर वापस आता हूँ साउंड चेक करने के लिए। फिर म्यूजिक के साथ लाइट चेक करके माइक का साइज थोड़ा और कम कर दो, मेरे माइक का थोड़ा और मैंने फिर अच्छे से साउंड चेकअप किया पूरा, चारों तरफ जा जा कर कैसे साउंड आ रहा है कैसे नहीं। डीजे शना और मैं साथ में मिलकर अपना बैंगर स्प्रे करना शुरू कर दिया गाइस। फिर गाइस, हम लोग अपना सेट प्ले करके प्रकाश छेत्री जी आ गए अपने स्टेज में और हम लोग थोड़ा बैठने आए थे पीछे बैक स्टेज पे। आप देख सकते हो पूरा वेन्यू, सारे फूड स्टॉल, क्राउड भी अच्छा खासा हो रहा था गाइस। और प्रकाश छेत्री जी भी बहुत अच्छा गा रहे थे, काफ़ी एंजॉय करने लगे गेस्ट लोग भी, आप देख सकते हैं। सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कपल्स भी आने लगे, डांस करने लगे, काफी एंजॉय करने लगे। फिर कैसे
बताऊँ काफ़ी थक गया हूँ, बहुत बहुत थक गया हूँ। तो हमारा इवेंट ठीक ही ठाक गया, अच्छा ही गया, फर्स्ट टाइम था, अच्छा क्राउड था, चलेगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, लेट्स गो।